क्लास टेंथ में एक बच्चा था राम एक बच्चा था शाम राम की अगर हम बात करें तो राम क्या रेगुलरली स्कूल जाता था बिल्कुल जाता था क्या शाम भी रेगुलरली स्कूल जाता था बिल्कुल जाता था क्या राम ने कोई ट्यूशन या कोचिंग लगवा रखी थी बिल्कुल लगवा रखी थी क्या शाम ने भी लगवा लगवा रखी रखी थी थी बिल्कुल थी। क्या राम अच्छे अच्छे से से पढ़ता 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 था 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 बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या भी राम हर एक टेस्ट को देता था बिल्कुल देता था क्या शाम भी सारे टेस्ट और सारे हाफ ईयरली देता था बिल्कुल देता था क्या राम हर एक सैंपल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करता था एग्जाम से पहले बिल्कुल करता था क्या शाम भी सैंपल पेपर लगाता था बिल्कुल लगाता था एंड में क्या हुआ राम का जो स्कोर है वो आया 78% परसेंट और जो शाम का स्कोर आया वो आया 98% ये परसेंट मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं अगर दोनों ने बिल्कुल सेम चीजें करी तब भी इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आया नंबरों में ये होता है कुछ गलतियों की वजह से जो गलती आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आंसर

आपने जो सर्कल चैप्टर पढ़ा था उसमें टोटल कितनी थ्योरम थी दस पंद्रह थ्योरम थी क्लास टेंथ में जो सर्कल चैप्टर है ना उसमें मात्र दो थ्योरम है अब आप अंदाजा लगा सकते हो क्लास नाइन्थ का लेवल अगर यहां पे है तो क्लास टेंथ का लेवल यहां पे है यह सिर्फ बोर्ड 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 हवा बचा रखा है इतनी आसान क्लास होने वाली है मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर आपने पूरे साल जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लकीर मान के फॉलो कर लिया यहां पे आप देख रहे हो यहां पे आप देख रहे हो जिस चैनल पे मैं डाल रहा हूं वो तो नाइन्थ का चैनल है ये हमारा मेन चैनल है क्लास टेंथ का कितने बच्चे हैं चौबीस से भी ज्यादा लाख बच्चे हैं ये सारे बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे थे जो कि अपने हाफ ईयरली में जो कि अपनी नाइन्थ क्लास में बिल्कुल ऐसे स्कोर पे 60%, 70 पे। में बैठे थे साठ परसेंट सत्तर परसेंट पे इनमें से मैक्सिमम बच्चे मैं मिलने जा तो मैं इंटरव्यू लेता हूं हमारे चैनल से रैंक टू निकली है सीबीएससी की इनमें से मैक्सिमम बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम में नब्बे से ऊपर स्कोर करके आया बहुत सारे बच्चे 95 से स्कोर करके आए बच्चे 98 स्कोर करके करके जो जो उनको मैं बता रहा था उन्होंने उसको लकीर मान के फॉलो करा जो जो चीजें मैं यार मैं अपने बारे में देता हूं जिसको नहीं पता मैं बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे होंगे मेरा नाम शोभित नवान मैं इस इंडस्ट्री में पिछले चार पांच सालों से हूं मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे क्लास टेंथ में 95 परसेंट आए थे मेरे क्लास ट्वेल्थ में एटी आए थे क्लास ट्वेल्थ के मैंने मैथ्स में ये हो गई मेरी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की बात इसके बाद मैंने जेई क्लियर करा जई के बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक करी अभी रिसेंटली मेरी बीटेक खत्म हुई है इंजीनियरिंग खत्म हुई है अब मैं आगे अपनी लॉ कर रहा हूं यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको ट्रस्ट हो ट्रस्ट बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए जो सामने बंदा आके ज्ञान दे रहा है उसने अपने आप भी कुछ उखाड़ा है नहीं उखाड़ा है तो यह मैंने आपको प्रूफ दे दिया और मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप अपनी क्लास टेंथ में फोड़ के आओगे सबसे पहला काम वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहला काम एक पेपर लेके आओ उस पेपर पे उस पेपर पे सबसे पहले बड़ा बड़ा ऐसे लिख दो कि कि इस इस साल साल लेके लेके आऊंगा 95 95 बड़ा बड़ा लिख दो कि इस साल में 95 और उसको टेप से सामने चिपका दो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब तक आप अपने हाथ से चीजों को नहीं लिखते हो ना जब तक वो आपके दिमाग में छपती नहीं है सबसे पहले अपने हाथ से लिखो कि मेरा स्कोर है तो मेरा जो गोल है वो है फाइव या फिर मैं तो कह रहा हूं नाइन बोलो यार अभी तो क्लास शुरू हुई है अभी तो पूरा साल बाकी है मैं तो ऐसी ऐसी टेक्निक बता देता हूं बच्चे दो महीने में नाइन्टी फाइव आते हैं अभी तो तुम्हारा पूरा सवाल है तुम नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन परसेंट तक फोड़ते हो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से फॉलो करना है समझ में आ गई मेरी बात तो पहला काम है लिख के सामने चिपका दो मेरे को प्रूफ मेरे को कमेंट आना चाहिए कि भैया हाँ चिपका दिया हाँ भैया मेरा जो गोल है वो नाइन्टी फाइव परसेंट है लिखो नीचे कमेंट में ये सबसे पहली चीज है दूसरी चीज आप अभी क्लास नाइन्थ में थे क्लास नाइन्थ में ये वाला चैनल था क्लास टेंथ में ये वाला चैनल है इसको जाके सब्सक्राइब कर लो सब एक चीज मैं इसमें आपको दे रहा हूँ आपके सीनियर जितने भी हैं क्लास टेंथ वाले उनको सब चीज मैंने यहां पे दी थी चाहे वो मटेरियल हो गए चाहे वो नोट्स हो गए चाहे वो हर एक चीज चाहे वो लेक्चर हो गए हर एक चीज यहां पे आपको मिलने वाली होगी ठीक है ये हो गया दूसरा काम अब आते हैं हम अपनी दिमाग में रखनी होंगी सबसे पहली जो, जो, जो चीजें पढ़ते थे वो आपको स्कूल लेवल पर पढ़ाई जाती थी कि भाई साइंस का या इंग्लिश का या फिर मैथ्स का या फिर आपके जो भी एस हो गए इन सब का क्या होता था टीचर जो पढ़ाती थी उसको कॉपी में लिखवाती थी वही सेम चीज उठ के आपके बोर्ड के एग्जाम आपके नाइन्थ के एग्जाम में आ जाता था तो मतलब कि नाइन्थ क्लास में जो कंट्रोल था नाइन्थ क्लास में जो कंट्रोल था वो सारा का सारा कंट्रोल आपके स्कूल के पास था क्लास में क्या होता है जो सारा का सारा कंट्रोल होता है वो बोर्ड के पास चला जाता है चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो बोर्ड के हो किसी भी हो तो वो बोर्ड के पास चला जाता है मतलब कि अब जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें जनरल पढ़ रहे हो आप देख रहे हो पूरा देश क्लास टेंथ का एक ही सब्जेक्ट एक ही चैप्टर एक ही चीज पढ़ रहा है तो ये सबसे पहली चीज होती है कि हर एक बच्चा एक जनरल टॉपिक पढ़ रहा होता है जो कि एनसीईआरटी में लिखा होता है दूसरी चीज जो होती है यहाँ पे अगर कंट्रोल स्कूल के पास है तो स्कूल के पास ही ये कंट्रोल होता है कि वो एग्जाम भी स्कूल में ही ले लेगा तो आपके जो स्कूल में एग्जाम होते थे वो भी स्कूल में ही होते थे टीचर जो पढ़ाती थी उसी में से मैक्सिमम सवाल उठ के आ जाते थे क्वेश्चन आंसर टीचर लिखवाते थे वो छिपके आ जाते थे अब क्या होता है कि आपके जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम आपके कौन लेता है बोर्ड ले रहा होता है तो बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए जैसे एग्जाम जो होते हैं वो सेंटर पे जाके होते हैं भैया उसमें कैसे करेंगे उसमें क्या डर नहीं लगता बिल्कुल लगता मैं बताऊंगा ना टेंशन मत लो तो सबसे पहली चीज बोर्ड आपके एग्जाम ले रहा होगा स्कूल से बाहर एक सेंटर लगता है वहां पे एग्जाम होंगे पूरे देश का सेम पेपर आ रहा होगा पूरे देश को अगर डिफिकल्ट होगा डिफिकल्ट पेपर आएगा आसान होगा आसान पेपर आएगा पूरे देश के बाहर के एक टीचर चेक कर रहे होंगे ठीक है जितने भी आपका सिलेबस होगा पूरे देश का सेम होगा तो आपका क्या होगा जो एग्जाम्स होंगे वो भी बाहर कंडक्ट कराए जाएंगे इसकी तैयारी कैसे होती है इसकी तैयारी के लिए हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आप ये बेसिक बेसिक समझ लो कि नाइन्थ वर्सेस टेंथ क्या होता है कि यहाँ पे स्कूल का सारा कंट्रोल होता है यहाँ पे बोर्ड का सारा कंट्रोल होता है अब देखो जब बोर्ड का कंट्रोल है मतलब किसी बाहर वाले बंदे का कंट्रोल है तो वो इन जनरल सबको देखेगा जब वो इन जनरल सबको देख रहा होता है तो क्लास टेंथ का जो लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है एज कंपेयर टू क्लास नाइन्थ क्योंकि नाइन्थ में जो है सिर्फ स्कूल देखता है स्कूल सोचता है है मैं तो मुश्किल मुश्किल पेपर क्लास में क्या होता है? इन जनरल देखा जा रहा है कोई अगर बच्चा वीक है तो उसको भी देखा जाता है कोई बच्चा ज्यादा स्ट्रॉग है तो उसको भी देखा जाता है तो बिल्कुल मीडियम मीडियम जनरल जनरल रो पेपर बनाया जाता है आप अपने सीनियर से पूछना क्लास टेंथ का बोर्ड का एग्जाम सबसे आसान आता है ठीक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले लेनी बिल्कुल नहीं घबराना है जो सुमित भैया बोल रहे हैं उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है ये हो गया क्लास नाइन्थ वर्सेस क्लास टेंथ क्लास टेंथ में नाइनटी फाइव से ऊपर लाने का जो मूल मंत्र है वो मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया इसको बिल्कुल अपने दिमाग में समझ लेना एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा कॉपी पेन लेके बैठो जो जो बता रहा हूं उसको लिखते जाओ और वैसा वैसा हमें करना है सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज होती है मिनिमम बुक्स बुक्स नहीं लिखूंगा मैं बुक्स नहीं लिखूंगा मैं मैं बोलूंगा मिनिमम रिसोर्सेज जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दू मैं आपको एक एग्जाम्पल दू कि मान लो मान लो आपको साइंस शुरू करनी है या फिर मान लो आपको सोशल साइंस शुरू करनी है या फिर मान करने का जो करते हैं। क्या करते है? उनका क्या तरीका होता है सबसे पहली चीज होती है सबसे पहली चीज होती है जो भी चैप्टर आप उठा रहे हो सबसे पहली चीज उसकी एक वन शॉट वीडियो देखो भैया ये वन शॉट वीडियो किसकी देखें मैंने कहा जिसकी पसंद हो उसकी देखो मेरी देख लो मैथ्स के लिए मेरे को देखनी है किसी और की अच्छी लगती है उसकी देख लो साइंस के लिए आपको प्रशांत भैया किसी और की देखनी है उसकी देख लो एस एस टी के लिए आपको की है, और किसी की अच्छी लग रही है उनकी देख लो पॉइंट ये है सबसे पहली चीज वन शॉट वीडियो देखो वन शॉट वीडियो से क्या होता है आपको उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है टॉपर्स जो करते हैं मैं वही बता रहा हूं आपको आपने साइंस का चैप्टर उठाया एनसीईआरटी मत पढ़ो अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे पहली चीज कोई भी एक वन शॉट वीडियो देखी उसको देख के पूरा चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया कि चैप्टर में क्या होने वाला है पहला काम स्टेप 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 होता है NCRT की रीडिंग मानना भैया ये तो पूरा देश कर रहा होता है तो पूरे देश के 95 क्यों नहीं आते मैंने कहा इसलिए नहीं आते क्योंकि एनसीआर रीडिंग उनको अच्छे से नहीं आती वीडियो देख लिया जो एनसीआर रीडिंग कर रहे हो ये एक्सटेंसिव रीडिंग करो एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है भैया एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब तुम तो एनसीआरटी का कोई एक पेज पढ़ रहे हो मान लो आपने एनसीआर का ये पेज पढ़ा अब इस पेज को जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो आपने पढ़ना शुरू करा पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगी तो आपने क्या करा अंडरलाइन करा कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है आप क्या करो ये जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही थी इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है क्या क्वेश्चन बन सकता है वो ऊपर लिख दो छत लिख दो डिफाइन केमिकल रिएक्शन भाई यहां पर मान लो यहां पर मान लो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है तो आपने क्या कहा कि यार ये जो डेफिनेशन है ना ये डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में

सिर्फ अच्छे से ऊपर ऊपर से रीड चले जाते हैं वो मन नहीं है। ऐसे कि आपने करा, करके क्या करा एनसीआर को अच्छे से रीड करा एक्सटेंसिव आपने अच्छे से एनसीआर की रीडिंग कर ली तीसरा जो स्टेप होता है आपका तीसरा स्टेप होता है आपका कि एनसीआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ठीक है ये हो गए आपके साइंस के लिए और मैथ्स के लिए और एनसीईआरटी के जितने भी होते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। उन का अच्छे से सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो ये होगा तीन स्टेप आपके उस चैप्टर को खत्म करने के ये तीन स्टेप जो है मात्र इन तीन स्टेप से आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया बस इतना ही होता है मैंने कहा इतना नहीं होता मेरी जान ये जो करवाया इसका भी तो काम आएगा कैसे काम आएगा तो सबसे पहली चीज जो मैंने कवर करी वो है मिनिमम रिसोर्सेज क्या रिसोर्सेज यूज कर हमने एक वन शॉर्ट वीडियो देखी एनसीआरटी यूज करी बस भैया ये जो एनसीआरटी के क्वेश्चन है इन एनसीआरटी के क्वेश्चन के आंसर कहां से मिलेंगे मैंने कहा गूगल पे डाल डायरेक्ट मिलेंगे अरे गूगल पे डाल क्वेश्चन डाल डायरेक्ट मिलेगा तू क्वेश्चन के चार वर्ड लिखेगा गूगल पे आंसर आ जाएगा यही तो टेंथ बोर्ड की खासियत है कि टेंथ में क्या होता है वही कुछ सवाल है गूगल को पता है यही सवाल बन रहे होते हैं डायरेक्ट आंसर मिलेगा चाहे मैथ्स हो, हो, हो गई इन तीन स्टेप से इन मिनिमम रिसोर्सेज से तू काम करेगा रिसोर्सेज जितने ज्यादा मिनिमम रखोगे तुम्हारा दोस्त बोलेगा ये बुक भी कर ले बिल्कुल नहीं करनी तुम्हारा दोस्त बोलेगा वो फलाना बुक भी कर ले बिल्कुल नहीं करनी अच्छी बुक्स है बट तुम्हारे पास यार इतना सब करने का टाइम नहीं है तुम्हें जितना मिनिमम हो सके उसको अच्छे से करना है एनसीआरटी आपको ऐसे घोट के पी जानी है इस में से डायरेक्ट उठ के अगर सवाल आया तो आप नींद में भी सवाल कर दो इस लेवल पे करनी है NCRT. इस को बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठा लेना शोभित भैया ने बोला NCRT को बिल्कुल अपना गीता बाइबल जो भी होता है वो मान लो अच्छे से गोट के पी जानी है ठीक है ये हो गए मिनिमम आपकी रिसोर्सेज फिर उसके बाद जो बात आती होती है मैक्सिमम रिविजन अरे यार तुमने ये चैप्टर जो है ये कब पढ़ा तुमने अभी मार्च अप्रैल में पढ़ा अब इस चैप्टर को तुम्हें अगले मार्च तक याद रखना है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो अगले मार्च में है तो अगले मार्च तक कैसे याद रखोगे उसके लिए आपका होता है रिवीजन वाला काम अब भैया भैया कैसे होती है रिवीजन करने का क्या यह तरीका अच्छा है कि मैं वापस से नोट्स को उठाऊंगा क्योंकि यहां पे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एनसीआर रीडिंग के साथ साथ मैं अपने नोट्स भी बना लूंगा ठीक है भैया ये नोट्स कहां से बनाने हैं अभी सब बताऊंगा मेरी जान तो मैंने क्या करा भैया नोट्स बना लिए नोट्स उठा के नोट्स को पढ़ना शुरू कर दिया क्या ये रिवीजन होती है बिल्कुल ये नहीं होती रिवीजन रिवीजन का मतलब होता है कि आपने क्या करा ये जो एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चंस बनाए ना अब आप क्या करोगे हाथ लगा लो पे छिपा लो ऐसे छिपा लेते हैं ना दूसरी कॉपी से क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में सोचो क्या आंसर था क्या आंसर था इसे कहते हैं रिट्रीवल मेथड एक्टिव रिकॉल मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड होता है पूरे यूट्यूब पर सबसे पहली बार हम लेके आए थे क्लास टेंथ के लिए बताने के लिए

तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के प्रकार के नोट्स आ जाएंगे ये सारे नोट्स आपके सीनियर के लिए मैंने बनाए थे आप जाके इनको यूज कर सकते हो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ इससे बेहतरीन नोट्स पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो इसको यूज करोगे इनसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से रिपीट होते हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शन है तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिख के आओगे तो आपका कोई एक नंबर नहीं काटेगा ये जो जितनी भी चीजें हैं ये कुछ प्रॉब्लम मैंने लिखी है लल्लू प्रॉब्लम ये मैंने लिख रखी है जो बच्चे मेरे से नाइन्थ में पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा लल्लू प्रॉब्लम क्या होता है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है सारी प्रॉब्लम लल्लू है तो ये सारे जो नोट्स हैं सारी एक्टिविटीज जो एनसीआर में से नीले डब्बे में होती है ना आपकी ये एनसीआर की एक्टिविटीज आज तक जिंदगी में किसी को समझ नहीं आई मैंने क्या करा इनको बहुत आसान तरीके से लिख के यहाँ पे डाल दिया

दूसरा काम ये हुआ तीसरा काम आपका हो गया एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो उसके क्वेश्चंस कर लो बस ये तीन स्टेप होते हैं जिससे आप एक चैप्टर को अच्छे से कंठस्थ कर सकते हो कंठस्थ कर लिया रिवीजन के लिए करना है रिवीजन के लिए वही एनसीईआरटी के ऊपर के क्वेश्चंस पढ़ो दिमाग से रिट्रीव करो रिवीजन हो गई तो हमने क्या-क्या चीजें कवर कर ली सबसे पहली चीज हमने कवर करी कि आपका मिनिमम बुक्स

मान लो मेरे हाफ ईयरली में मान लो सात चैप्टर आने हैं तो चार महीने में मेरे को सात चैप्टर करने हैं ठीक है थीके? चार महीने में मेरे को सात चैप्टर करने हैं मतलब मोटा मोटा मेरे को पर मंथ पर मंथ मेरे को पर मंथ मेरे को मैथ में मैथ में, 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 than, में, में लिए दो चैप्टर करने हैं मान लो सिमिलरली आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में या फिर साइंस में आपको दो चैप्टर करने हैं और मान लो सिमिलरली आपको एस में भी दो चैप्टर करने हैं पर मंथ तो ये आपको पता चल गया तो आपको पर मंथ पता चल गया कि मेरे को साइंस एंड कितने करने हैं छह चैप्टर टोटल करने और इंग्लिश में मान लो दो दो चैप्टर हो गए तो इंग्लिश हिंदी के भी दो दो, दो चैप्टर हो गए तो कितने हो गए टू चैप्टर पर मंथ आपको करने हैं तो आपने क्या करा देखो ध्यान से देखना पहले आपने सारे चैप्टर्स को मंथली डिवाइड करा मंथली के आपने डिवाइड करते ही आपको पता चल गया कि पर मंथ मेरे को दस चैप्टर करने हैं अब इन चैप्टर्स को ये जो मंथली आपने डिवाइड करा इसको वीकली डिवाइड कर लो कि भाई टोटल चार वीक्स हैं

आपको क्या करना है सिंपल आपको पर वीक देखना है कि क्या क्या आपके चैप्टर होने चाहिए इससे ही आपकी कंसिस्टेंसी 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 रहेगी और के के बिना अगर आप आप 95 का सोच रहे हो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये कंसिस्टेंसी के लिए आप सभी को पता भी होगा कि यार इंसान को क्या होता है ना हर चीज मिल तो जाती है यूट्यूब पर सब चीज अवेलेबल है कहीं के लेक्चर को है अवेलेबल है कहीं पे नोट्स अवेलेबल है कहीं पे आपको टाइम टेबल दे रखा है कहीं पे आपको स्ट्रेटेजी दे रखी है किसी का टीचर का समझ में आएगा किसी टीचर ने आधा करवा रखा है किसी टीचर ने पूरा करवाता है तो बहुत सारी चीजें फैली फैली है अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएं। एक सारी मिल जाए जाए सारी चीजें तो उसके लिए आप सभी को पता होगा हमने नेक्स्ट टॉपर्स पे बैच निकाल दिया है वैसे आप उसके बिना भी बहुत अच्छा कर सकते हो पर अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को हर एक चीज ऐसे हाथ पकड़ के एंड तक लेके चले जाओ मेरे को हाथ पकड़ के एंड तक 95 98 परसेंट तक लेके चले जाओ तो आप आराम बैच में ज्वाइन कर सकते हो आराम बैच में तीनों बेस्ट टीचर आपके आ चुके हैं मैथ्स ऑब्वियसली मैं ही पढ़ा रहा हूँ साइंस के लिए आपके प्रशांत भैया आप सभी जानते हो फिर उसके बाद एस के लिए तो आपके द ओ जी दिगराज सिंह राजपूत सर ये आपको एस पढ़ा रहे होंगे आरम्भ बैच आपका जो है वो क्लास के लिए है पूरे साल का बैच है तो वो आठ अप्रैल से शुरू होने वाला है उसकी जो सारी चीजें हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मेरे को भैया कोई ऐसा मिल जाए कि मेरे को शुरू से लेके एंड तक पूरा गाइड कर दे और मेरे को बता दे कि कैसे 95 परसेंट आ सकते हैं मेरे पास यार इतना नहीं है कि मैं ये देखूं वो देखूं नहीं मेरे को एक जगह सब चीज मिल जाए तो आप आराम बैच ज्वाइन कर सकते हो ज्यादा प्राइस है दो हजार का बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो पूरे साल के लिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको आप कंसीडर कर सकते हो अब बात आए वापस से क्लास टेंथ की तो क्लास टेंथ में ये तीन मंत्र हैं जिससे आप नाइनटी स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर करा है बेहतरीन स्कोर करा है तू भी कर सकता है मेन बात होती है माइंडसेट की ये माइंडसेट बना ले कि हाँ भैया मैंने जो तेरे को बोला ना कि सामने लग के चुपका ले नीचे कमेंट कर दे कि हाँ भैया मैं नाइन फाइव परसेंट लेकर आऊंगा हाँ भैया कर दे जब तक तू तो अपना माइंडसेट माइंडसेट नहीं जब नहीं बनाएगा तक हो पाएगा काम बना फुल पॉजिटिव करेंगे मौज भी फुल करेंगे क्लास टेंथ में मौज भी फुल करनी है फुल मौज के साथ इस क्लास टेंथ के बोर्ड के एग्जाम को फोड़ के आएंगे शोभित भैया सा, तुम्हारे साथ चौबीस बटा सात है इस बात की मैं गारंटी देता हूं मेन चीज है कि क्लास टेंथ की जितनी भी वीडियोस आ रही होंगी वो अब इस वाले चैनल पे आ रही होंगी तो ये भी मैं नीचे दे दूंगा इस पे जाके आप ज्वाइन कर दिए फोड़ते हैं यार साथ में मिल गए बाय टेक केयर तब तक के लिए भाई पढ़ना है पोड़ना है कहर मचा देना आग लगा देनी है मिलते हैं इस शानदार क्लास के साथ एक शानदार स्कोर फोड़ने एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने बाय बाय जाओ पढ़ाई कर लो जाओ जो भी चीजें वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखे हैं सब चीज के नोट्स हो गए आपके आराम बैच हो गया आपका चैनल का लिंक हो गया सब नीचे दे रखा है अच्छे से एक्सप्लोर करो तू फोड़ के आएगा बस बाय बाय जाओ जाओ पढ़ लो बाय 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 पढ़ लो बाय